जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। दोस्तों सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों क्या आप सीए बनना चाहते हो, या आप मैनेजर बनना चाहते हो, या फिर दोस्तों आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों मैनेजमेंट प्रिंसिपल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रिक, जिसे दोस्तों आप अपनी शादी तक नहीं भूलोगे, उसके बाद की गारंटी मेरी नहीं होगी। दोस्तों ट्रिक कुछ ऐसा है कि बच्चे सीएम केयर फंड में कुछ पैसा डोनेट करना चाहते, तो आइए दोस्तों उनके डिस्कशन को सुनते हैं। पहले हम सब उन्हें 1000 डोनेट करेंगे। बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? पहले हम सब उन्हें 1000 डोनेट करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका ट्रिक। पी स्टैंड फॉर प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर, एच हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एस साइंटिफिक डिसीजन, यू अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, डी डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। दोस्तों ये रहे हमारे 7 पॉइंट्स, आइए इन पॉइंट्स को 1 by 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। इनसाइट मींस सिक्स सेंस, थिंकिंग एबिलिटी। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को इन्हीं प्रॉब्लम्स को इफेक्टिव वे में कैसे सॉल्व किया जाए इसके लिए हेल्प करता है। 10 साल पहले हम लोग कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, आज हम टच मोबाइल यूज करते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों बिजनेस दिन ब दिन बदल रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को इन्हीं डिफरेंट सिचुएशन में कैसे एक्ट किया जाए इसके लिए हेल्प करता है। बात करें अगर स्टीव जॉब्स की, जेफ बेजोस की, सुंदर पिचाई की, रितेश अग्रवाल की, तो दोस्तों मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सही इस्तेमाल करना तो कोई इनसे सीखे इनसे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट मींस प्रॉपर, यूटिलाइजेशन मीन यूज करना, एंड रिसोर्सेज मीन्स मटेरियल मशीन एंड मैन पावर। दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से मैनेजर इन लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज विथ मिनिमम कॉस्ट करके वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ जाता है। आइए दोस्तों अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जापान में पहले वाटर का बहुत शॉर्टेज हुआ करता था, वहां के लोगों ने अपने घरों के वॉश बेसिन का कनेक्शन टॉयलेट के फ्लश के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों वहां के लोग जब भी हाथ धोते हैं वो पानी गटर में न जाकर टॉयलेट की टंकी में स्टोर हो जाता है। दोस्तों इसे ही कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मींस सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। दोस्तों मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से मैनेजर्स को काफी ट्रेनिंग मिलती है, जिससे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को भी इजीली हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रिंसिपल्स काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं। अदरवाइज दोस्तों मैनेजर्स को ट्रायल एंड एरर मेथड के बेस पर काम करना पड़ता। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है तब तक ट्राई करो जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ। फॉर एग्जांपल दोस्तों कोरोना की वैक्सीन के लिए हमारे साइंटिस्ट तब तक ट्राई करेंगे जब तक वो सक्सेस ना हो जाए। दोस्तों मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नॉलेज होने से मैनेजर्स किसी भी सेम काम को डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर काम करता है, देयरफॉर इट हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इट्स सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है, जिससे वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अपने कस्टमर
कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट देना, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करना, टूल्स और मशीन का यूज ऐसे करना जिससे पोल्यूशन ना हो, अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर वेजेस एंड सैलरी पे करना, इसके साथ साथ क्लीन वर्कप्लेस देना और टाइम टू टाइम ब्रेक देना। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मींस इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू अवर नीड। दोस्तों पहले हम सब प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन परचेस किया करते थे, बट आज हम सभी ने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेस करना शुरू कर दिया है। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों बिजनेस डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, और दोस्तों उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को भी न्यू टेक्निक का यूज करना पड़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को इन टेक्निक को डेवलप करने में उनकी हेल्प करता है। बात करें अगर आईफोन की, तो आईफोन अपने प्रोडक्ट्स में टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है, कभी अपने कैमरे पर तो कभी अपने डिजाइन पर। दोस्तों इसलिए आज आईफोन इतना सक्सेसफुल है। ऑन दी अदर एंड दोस्तों बात करें अगर नोकिया की, इन 2010 जब सभी मोबाइल कंपनियों ने एंड्रॉइड बनाना स्टार्ट किया था, तो नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और ना ही उसने अपनी प्रोडक्ट पर कोई रिसर्च की थी। एज अ रिजल्ट दोस्तों नोकिया फेल हो गया। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और दोस्तों इन डिपार्टमेंट में थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों इन डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉय के बीच प्रॉपर बैलेंस बनाने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड कंट्रोलिंग मींस चेकिंग द एक्चुअल वर्क एज पर द प्लान वर्क। आइए दोस्तों कोऑर्डिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेस मैनेजर से कंसल्ट करेगा, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लास्ट हमारा पॉइंट है डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव मींस लॉजिकल, अप्रोच मींस थिंकिंग। दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप होते हैं, जिससे ये लॉजिकल लगते हैं। मैनेजर्स इन प्रिंसिपल का यूज करके बिजनेस के डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके साथ साथ बिजनेस में आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है, जिससे दोस्तों उनके माइंड में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।